आज डेट है 4 अगस्त, और आज की डेट के अंदर जो भी यहाँ पे मार्केट के अंदर हलचल रहने वाली है उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। वैसे अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर सक्रिय रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। आज 4 अगस्त को जो भी नए अपडेट आए हैं उनके बारे में, क्या मार्केट यहाँ से पंप कर सकता है उसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग जल्दी से कर दीजिए। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे coinmarket.com वेबसाइट के अंदर, एंड यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मार्केट की प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 85 ट्रिलियन तक यहाँ पे मार्केट कैप पहुँच चुकी है, एंड यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है। आप सभी लोगों को पहले से पता है कि मार्केट पूरा का पूरा क्रैश होकर रखा था, उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा सा पंप लिया है एंड अभी यहाँ पे कंटिन्यू सिमिलर रूप से चल रहा है। मार्केट थोड़ा बहुत प्लस में जाता है, थोड़ा बहुत डाउन में जाता है। अगर आप यहाँ से अगर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे हम एक चीज़ बता देते हैं, आपके लिए जो बेस्ट कॉइन रहने वाला है वो बिटकॉइन रहने वाला है, उसके बाद में इथेरियम रहने वाला है। उसके अलावा भी यहाँ पे आपको 2-3 कॉइन के बारे में डिटेल से बताएंगे, बस वीडियो के अंदर एंड तक जरूर से बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। जब मार्केट क्रैश हुआ था तो बिटकॉइन लगभग लगभग यहाँ पे 15.5 बोले तो 16 लाख के समथिंग यहाँ पे जा चुका था। उसके बाद में मार्केट वापस थोड़ा सा पंप हुआ और 2 लाख का यहाँ पे जो है वापस प्लस में जो मार्केट गया है, उसकी कारण से उसी के साथ में बिटकॉइन भी यहाँ पे थोड़ा सा प्लस में गया है। अब बात करते हैं डॉज कॉइन एंड शिबाइन कॉइन के बारे में। तो डॉज कॉइन का प्राइस भी आपको पता है कि मार्केट डाउन में गया था तो लगभग 4 रुपये तक चला गया था, उसके बाद में 5.5 समथिंग अभी यहाँ पे करंट में चल रहा है। बात करें अगर शिबाइन कॉइन के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो 0.009 है इसकी जगह पे लगभग 8 और 7 के समथिंग यहाँ पे मार्केट चला गया था, उसके बाद में मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिकवर मारा है। मतलब हम एक शब्द में ये वो चीज़ बोल सकते हैं कि मार्केट धीरे धीरे अपनी रिकवरी कर रहा है, और ऐसे में अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट चांस होगा। अगर आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको अलग से स्टडी की जरूरत पड़ती है, और उसी के साथ में अगर आप मार्केट को थोड़ा सा रीड करके, थोड़ा सा मार्केट अगर डाउन में जाता है इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको दूसरे दिन प्रॉफिट जरूर से देखने को मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी भी टाइम में मार्केट पूरा का पूरा क्रैश में है, एंड यहाँ पे बहुत टाइम भी ले सकता है, बट यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे जो रिकवर होने वाला है। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।